कर देते थे, यहाँ तक कि आवाज मार देते कभी कभी। तो चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत खूबसूरत पहाड़ों के साथ हो रही है और अभी सूर्य देवता भी आ चुके हैं। आज नवरात्र का 8वां दिन, अष्टमी, तो आज के दिन हरियाली घटेगी। 7 दिन से आपने वीडियो देखी होगी, कभी थोड़ा ये हो रहा है कि वीडियो लेट या कम आ रही है, परंतु क्या करें, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए आपको ले चलते हैं आज। तो अभी सभी हो चुके हैं तैयार और मैं भी तैयार हो चुका हूँ फिलहाल। और आपने कल रात की वीडियो देखी होगी तो थोड़ी बहुत आया, पर वो भी आ चुकी होगी इससे पहले, या इससे पहले वो आया होगा, उसके बाद ये वीडियो शुरू हुई होगी। तो चलिए आज आपको माँ पाऊ की देवी के दर्शन कराते हैं। दोगी पट्टी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, माँ पाऊ की देवी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। साथ ही आपको डिटेल में थोड़ी जानकारी देंगे कि आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वहाँ से जो व्यू है, जो नज़ारे हैं, वो आज के हम देखेंगे। पूरी फैमिली तैयार हो चुकी है, सभी फैमिली मेम्बर हैं, तो सभी से इंट्रोडक्शन नहीं करवा रहा क्योंकि लंबा हो जाएगा, पर चलते हैं। आज ढोल दमा भी हैं, ढोल दमा के साथ चलते हैं। थोड़ा एक हाथ लगाए थे वहाँ पर, वही तो नानी। फेमस कर दूंगी मैं तुम्हें। ओ फिर ठीक है, लिंक भेज दे अपना।
आज अभी आप देख सकते हैं आज उत्तराखंड के पारंपरिक ढोल ढमों के साथ माता के दर्शन करने के लिए निकलते हुए सबसे आगे मैं ही हूँ अभी, और सबसे आगे से मैं आपको दृश्य नज़ारे दिखा रहा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं पूरी पैदल यात्रा में लगे हैं और छोटे छोटे बच्चे माता के जयकारे लगा रहे हैं। जय माता दी, आप भी जरूर कमेंट करें, आपको आज माँ पावकी देवी के दर्शन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी पैदल यात्रा चल रही है, अभी हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं माता के दर्शन करने के लिए, और पूरे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच से निकलते हुए माता के दर्शन करने के लिए। आप सभी को भी माँ पावकी देवी के दर्शन कराते हैं। दोगीपट्टी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माँ पावकी देवी का मंदिर आज आपको दिखाते हैं, जहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं और आपको बताते हैं आप कैसे आ सकते हैं। तो आप ऋषिकेश से केवल 70 किलोमीटर दूर और हरिद्वार से 100 किलोमीटर की दूरी पर माँ पावकी देवी का मंदिर स्थित है। अगर आप गूगल में या किसी भी चीज़ में सर्च करते हैं तो माँ पावकी देवी का मंदिर आपको दिख जाएगा। और इसी के आसपास अगर हम टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो लोयल कैफ, लोयल गुफा के नाम से एक गुफा है, तो आप वहाँ पर भी महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। और कई चीज़ें यहाँ पर जो व्यू है वो तो आपने देख लिया होगा, व्यू काफ़ी अच्छा व्यू हमें देखने को मिलता है। मैंने चावा बेच डाले। अरे दादी शब्द जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय
हमारी देवता है और उसके पश्चात लोग अपने घर को जाते हैं तब हरियाली का। तो अभी हमें माँ पावकी देवी के प्रांगण में, आप देख सकते हैं सामने माँ पावकी देवी का मंदिर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। लोगीपट्टी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माँ पावकी देवी का मंदिर। तो ये यहाँ से नजारा है, अभी हम पावकी देवी के ऊपर हैं। अच्छा भाई किला गुरु जी केवल हो गए तरपड़े।